हेलो गाइस, आज हम डिस्कवर करने वाले हैं मोनोटोनोसिटी, राइट। मोनोटोनोसिटी या बोलेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। आपको मालूम है कि उसमें क्या वर्कआउट करना होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, फंक्शन में ये दिखाना होता है कि आइदर इट इज़ इंक्रीजिंग और आइदर इट इज़ डिक्रीजिंग। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, अगर होंगी भी तो अलग अलग इंटरवल में होंगी। ये सारी बातें बहुत ब्यूटीफुली मैंने 9 वीडियोज़ क्रिएट किए हुए हैं चैनल पर, वो आपको उसमें मिल जाएंगे। आप उनको एक बार चेक कीजिए तो सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिजल्ट्स हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है एंड अदर थिंग्स, ऑल आर अवेलेबल इन टू द 9 कम्प्लीट वीडियोज़ ऑफ मोनोटोनोसिटी, ठीक है। अभी हम अपना जो है फास्ट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं मोनोटोनोसिटी के लिए। पहले वही करने वाले हैं, पहले हम लेटेस्ट क्वेश्चंस लेंगे, जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, फिर मैं स्विच कर जाऊँगा टफ क्वेश्चंस पे और जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस तरह से हम जो अपना सेशन कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। देखिए, ये 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन हुआ, 12 जनवरी 2019 मेंस में आया हुआ है, जेई मेंस में आया हुआ है। इफ द एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3a - 2x² + 3x + 7 फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर इज एन इंक्रीजिंग इन 0 to 1। अब देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, इंटरवल पे 0 to 1 में इंक्रीजिंग बोल रहा है फंक्शन। आपको पता है इंक्रीजिंग फंक्शन में एफडेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। अगर हम इंक्रीजिंग बोलेंगे तो देखिए, थोड़ा स्लाइटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इंक्रीजिंग है तो एफडेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखना है। अगर डिक्रीजिंग है तो आपको एफडेस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 लिखना है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैस एक्स ग्रेटर देन 0 है। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसको एफ डैस एक्स लेस देन 0 लिखना है, ठीक है। डिक्रीजिंग के लिए फिर वहाँ से इंटरवल हमें फाइंड आउट करना होता है, हम इनइक्वलिटी में एंटर कर जाते हैं, आपको पता है, और वहाँ इनइक्वलिटी से वो इंटरवल निकालते हैं जहाँ पे कि फंक्शन डिक्रीजिंग हो इंक्रीजिंग हो। तो कॉन्सेप्ट है वो आप सारा जानते हैं, राइट। अब देखिए, ये जो सवाल पूछा है इसने, ये बोला कि फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर इज इंक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर सम ए बिलोंग्स टू आर इन 0 to 1। 0 to 1 में वो इंक्रीजिंग है एंड डिक्रीजिंग इन 1 to 5। 1 से 5 में वो डिक्रीजिंग है। देन द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स माइनस 14x - 1² इक्वल्स टू एक्स, डेफिनेटली एक्स की वैल्यू 1 नहीं होगी तो कंडीशन उसको अटैच करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम ये निकालना है इसमें, तो हम एक काम करेंगे, इसमें बोला कि 0 to 1 में इंक्रीजिंग है तो हम लिखेंगे एफ डस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पहले एफ डस एक्स निकाल लीजिए इसका, ठीक है। एफ डस एक्स हो जाएगा 3x² - 3 into 6 हो जाएगा, दिस इज 3 to 6a - 2 into x, राइट, प्लस 3a, ये वैल्यू आएगी। और हम इंक्रीजिंग के लिए ये लिखते हैं कंडीशन, और 0 to 1 में बोला है इसने, ठीक है, और डिक्रीजिंग बोला ये, सो दिस इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड ऑल्सो डिक्रीजिंग। अब यही सेम फंक्शन एफ डस एक्स है, डिक्रीजिंग एफ डस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 पे आएगा, ठीक है। हमें पॉइंट एक चीज़ चेक करनी है, बहुत ही मतलब टेक्निकली बनाया हुआ सवाल है, ठीक है ना। आप देखिए, ये जो पॉइंट 1 है ये दोनों साइड इंक्लूडेड है, दिस पॉइंट 1 इज़ इंक्लूडेड इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ। तो एक कंडीशन ऐसी होगी कि जो एफ डैस एक्स की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वो न तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग में भी इंक्लूड हो रहा है, डिक्रीजिंग में भी इंक्लूड हो रहा है। सो यू कैन से एफ डैस एक्स equals to 0 for x equals to 1। बोलेंगे ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि x equals to 1 में यहाँ डिक्रीजिंग दिखा रहा था इस इंटरवल के लिए, और सॉरी इंक्रीजिंग दिखा रहा था 1 पे 0 to 1 के बीच में, और डिक्रीजिंग दिखा रहा था 1 से 5 पे, तो 1 पे क्या है, 1 पे equals to 0, ठीक है ना। सो एफ डेस एक्स 0 हो जाएगा 1 पे, तो इसी चीज़ को हम 0 लिख देते हैं एक बार, राइट। सो एफ डस एक्स निकालेंगे एक्स इक्वल्स टू 1 पे, एक्स इक्वल्स टू 1 पे उसको 0 प्लेस कर दीजिए आप, सो 3 into x² - 6a - 2 into x + 3a = 0 for x = 1। और जैसे ही x = 1 पुट करते हैं
तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सिक्स टाइम्स ऑफ ए माइनस टू प्लस थ्री ए, नाउ इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. सो थ्री माइनस सिक्स ए प्लस ट्वेल्व प्लस थ्री ए इक्वल टू ज़ीरो. सो माइनस थ्री ए माइनस थ्री ए उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएंगे फिफ्टीन. सो थ्री ए, सो ए की वैल्यू फाइव आ जाएगी. ठीक है, और जब ए की वैल्यू फाइव आ जाएगी तो ए की वैल्यू फाइव रखते हुए वापस इसको लिख लेंगे. और फिर इसने ये पूछा कि ये जो फंक्शन है इसके इसकी आपको बताना है कि व्हाट आर द रूट्स फॉर दिस, राइट. तो फंक्शन में डायरेक्टली एक काम करते हैं, वो जो फंक्शन लिखा हुआ है नाउ एफ एक्स एफ डैश एक्स देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इसके ये पूछे हैं एफ एक्स लिख लेंगे. एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस, और ए की वैल्यू फाइव रख दूंगा मैं इसमें, ए की वैल्यू फाइव रखेंगे तो फाइव माइनस टू दिस इज थ्री. सो माइनस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एंड फाइव थ्री जा फिफ्टीन एक्स प्लस सेवन. और इसने जो वैल्यू पूछी है वहाँ उसकी पूछी है एफ एक्स माइनस फोर्टीन, एफ एक्स माइनस फोर्टीन उधर चाहिए इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर चाहिए. ठीक है ना, तो देखिए इसमें एक काम करेंगे कि एफ एक्स और जैसा ये पोजीशन बना रखा है इसने वो चीज़ क्रिएट कर लेंगे. तो एफ एक्स बराबर है और यहाँ चाहिए इसको एक्स माइनस वन का स्क्वायर नीचे में चाहिएगा, तो बेटर है कि हम एक चीज़ क्रिएट करते हैं. देखिए पहले एफ एक्स माइनस फोर्टीन बना लेते हैं उधर, तो माइनस फोर्टीन किया दोनों तरफ एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स एंड सेवन माइनस फोर्टीन, तो यहाँ माइनस सेवन बचाएगा ये. ठीक है, अब इसमें एक काम किया जाए कि एफ एक्स माइनस फोर्टीन और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर आ रहा है, तो अब एक काम कर दो उठा के पहले हम इतने में से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, राइट. तो देखिए एक इसको हटा दीजिए, अब कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, राइट. और एफ एक्स माइनस फोर्टीन, एफ एक्स माइनस फोर्टीन चल रहा है, ठीक है, इसमें से मैं एक एक्स कॉमन निकालता हूँ, राइट, क्योंकि एक्स माइनस वन स्क्वायर क्रिएट करना है. तो एक्स बनेगा कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस फिफ्टीन आ जाता है. ठीक है, और बाकी माइनस सेवन वैसे ही रहने देते हैं. एफ एक्स माइनस फोर्टीन क्रिएट कर लिया उधर, और नीचे एक्स माइनस वन स्क्वायर भी चाहिएगा. तो एक काम किया जाए, ये यहाँ पे एक्स माइनस वन का स्क्वायर बनाया जाए, माइनस टू एक्स प्लस वन हो जाएगा. तो यहाँ से बच रहे हैं आपके माइनस सेवन एक्स, ठीक है, प्लस फोर्टीन बच रहे हैं. ठीक है, और इस पर एक्स इंटू ये चीज़ को लिख लीजिए आप, एक्स माइनस वन स्क्वायर हो ही गया. ठीक है, अगर इसको मैं ओपन करूँगा यहाँ पे और फिर माइनस सेवन भी है तो माइनस सेवन एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस सेवन स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स आ रहा है, फोर्टीन एक्स माइनस सेवन भी आ रहा है. ठीक है, तो अब एक्स माइनस वन स्क्वायर हो गया, इसमें से फिर माइनस सेवन कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन आ रहा है, एंड अगेन इट इज़ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, राइट. तो उठा के इसमें से कॉमन ले लो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा एक्स माइनस सेवन. और देखिए जो बात पूछी जा रही थी वैसे ही हम पहुँच गए बिल्कुल. इसको चाहिए एफ एक्स माइनस फोर्टीन डिवाइडेड बाय, तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर चाहिएगा. तो आप एक काम करेंगे कि इस वैल्यू में से डिवाइड कर लेंगे, एफ एक्स माइनस फोर्टीन बराबर है, एफ एक्स माइनस फोर्टीन ये आ रहा था इधर आपका, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो किससे, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर से, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस सेवन आया. लेकिन इसने एफ एक्स माइनस फोर्टीन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो प्लेस किया, तो ठीक है यहाँ ज़ीरो प्लेस कर दिया. और पूछता है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, तो रूट्स क्या है, मतलब ये वैल्यू ज़ीरो की है ना, तो यहाँ पे एक्स माइनस वन एक्स माइनस सेवन भी ज़ीरो प्लेस किया है, तो एक्स इक्वल्स टू सेवन ही उसका रूट बनेगा. बस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेप था, इस जगह कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि ये चीज़ ज़ीरो लिखनी थी तो उसकी वैल्यू एक्स माइनस वन है वो भी इक्वल टू ज़ीरो बनेगी और वही एक रूट बनेगा, सिंगल रूट. सो ऑप्शन थर्ड इसमें राइट हो जाएगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2019 और ये 11 जनवरी का, उससे पहले हमने 12 जनवरी का किया, तो 19 में हम देख पा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो है पर्टिकुलर मोनोटोनिसिटी में आए हुए हैं.
दिस इज द क्वेश्चन, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी माइनस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हो, आप समझ सकते हो डी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर ए बी डी आर द नॉन जीरो रियल कॉन्स्टेंट्स, ए बी डी नॉन जीरो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, राइट, देन एफ एक्स इज इन डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज नॉट मोनोटोनिक, एफ डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, तो ये चार ऑप्शंस में से बताना है आपको, सिंपली उसको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा, राइट, तो डिफरेंशिएट कर लीजिए और चेक कर लीजिए बस, डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे तो इसमें डिवाइड रूल ही लगा लो, बेटर रहेगा, सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर रखा, एक्स का वन हो गया, माइनस सबकी बार एक्स बाहर रखा, सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका आ जाएगा 2x, ये फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव हुआ, माइनस ऐसा करते हैं कि इसमें भी डिवाइड रूल लगा लेते हैं क्योंकि ये कुछ दिए ही इस स्टाइल में है कि यही करना पड़ेगा, इसमें d माइनस एक्स होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, इस नंबर को बाहर रखा और d माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस वन, माइनस अब की बार d माइनस एक्स बाहर रखा और इसका किया, सो दैट इज़ द वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट, और d माइनस एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, सो दिस इज टू टाइम्स ऑफ d माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस या प्लस बनेगा, ध्यान रखिए, बस ऐसे बहुत छोटी छोटी बारीक सी मिस्टेक हो जाती हैं ये वाली, अच्छा यहाँ पे तो किया ही नहीं, u बाई वी रूल लगाया तो डिवाइडेड बाय v स्क्वायर होता है, ठीक है, सो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी इसका होल स्क्वायर आएगा जो डिनोमिनेटर में है, बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये पावर वन होगी, मतलब रूट में था स्क्वायर कर दिया, वी स्क्वायर, सो यू बाई वी होता ना, वी डी यू माइनस यू डी वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, सो दिस इज टू कैंसल्ड एंड यू कैन राइट द ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नीचे जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा, पूरा डेरिवेटिव का खेल बना दिया इसमें, ये मोनोटोनोसिटी के इस सवाल में, ठीक है, जो कि जेई मेंस में आया था, ठीक है ना, तो अब एक काम करेंगे, देखिए यहाँ 2 कैंसिल हो रहा है और ये इसका स्क्वायर खुल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये वैल्यू नेगेटिव है दोनों, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, राइट, माइनस से मल्टीप्लिकेशन था, इसको स्क्वायर करके ओपन करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और ये देगा पॉजिटिव डी माइनस एक्स का स्क्वायर, डी माइनस एक्स स्क्वायर देख लीजिए, और नीचे डिवाइड में आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स की पावर हाफ और वन, सो 3/2 पावर आने वाली है, ठीक है ना, सो बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर एंड पावर 3/2, ये वैल्यू सॉल्व हो गई, यहाँ देखिए डी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस पूरा कैंसिल हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, सो ए स्क्वायर अपॉन दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस बनाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, भाई इतना तो करना ही पड़ेगा इसमें, आप ये मत सोचना कि इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या, इसमें ये वाला डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, कुछ काम तो करने पड़ते हैं चाहे कुछ भी हो जाओ, ठीक है, हर जगह शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, डेरिवेटिव कर दिया हमने, सो दिस इज एफ डैश एक्स, अब देखिए इसमें यहाँ जजमेंट लेना है कि ये अब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्योंकि वैल्यूज वगैरह तो निकाल नहीं सकते डायरेक्टली, जब हमने डिफरेंशिएट किया, यदि आप एक गलती करते कि फंक्शन को इसको डिफरेंशिएशन करके मिक्स वगैरह कर देते तो वहाँ जजमेंट लेना जो है मुश्किल हो जाता उस केस में, ठीक है, यहाँ इजी है क्योंकि अब हम बता सकते हैं इसका जो ये पूरा पार्ट है ए स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो पावर 3/2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा होल पोर्शन पॉजिटिव है, बी स्क्वायर पॉजिटिव, बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, राइट, और तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू बना रहा है ओवरऑल, सो एफ डैश एक्स के बारे में क्या बोल सकते हो, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, राइट, दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, बट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की उसने खाली इंक्रीजिंग बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर।
देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये वाला ले लिया है, जेई एडवांस 2014 का मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप है, लेकिन इसलिए लिया है बिकॉज इसके चारों ऑप्शंस में जो डिस्कशन है वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये सवाल लेते हैं, लेट एफ इज, मतलब कहने का ये है कि यदि वो देना चाहता तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन इसमें से कोई से भी बना देगा, बाकी तीन को रॉन्ग शो कर देगा, ठीक है। लेकिन हम चाहेंगे कि इसके चारों ऑप्शन डिस्कस करें, इंटरेस्टिंग है। सो लेट f is such that 0 to infinite to r with a given function fx 1 by x lower limit 1 by x to x e to the power minus है यहाँ पे t plus 1 by t dt by t, then fx is increasing 0 to 1 to infinite, बोलता है fx decreasing है 0 to 1, f 2 to the power x is odd function for x belongs to r, fx plus f 1 by x equals to 0 for x belongs to 0 to इनफाइनिट। तो ये चारों ऑप्शन चेक करने हैं हमें, ठीक है ना। तो इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो ऑप्शन के लिए इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा एफ डैश एक्स, और यहाँ पे लगेगा लेमनीज रूल, राइट। सो लेमनीज रूल मींस डेरिवेटिव अंडर द इंटीग्रल साइन, राइट। तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये अपर वेरिएबल जो है इसमें प्लेस कर देंगे सीधा सीधा, माइनस का एक्स प्लस वन बाय एक्स आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आता है मतलब टी की जगह हो जाएगा वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स हो गया, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव लिखना होता है तो वो आएगा वन, माइनस माइनस करके आपको ये वाला वेरिएबल जो है लोअर लिमिट का ये इसमें पूरा प्लेस करना होता है फंक्शन में, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव भी लिखना होता है, तो नेक्स्ट आएगा ई टू द पावर, देखिए टी है, टी की जगह अगर वन बाय एक्स लिखेंगे तो आ जाएगा वन बाय एक्स, और वन बाय टी की जगह एक्स आ जाएगा, तो वापस ये पलट के वापस वो की वही पोजिशन आ जाएगी, एक्स प्लस वन बाय एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। फिर जो डी टी बाई टी है उसको अगर हम इससे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे वन बाई टी है, वन बाई टी की जगह अगर वन बाई एक्स रिप्लेस करेंगे तो एक्स बनेगा और वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, एक्स हो गया। लेकिन अब वन बाय एक्स का डेरिवेटिव भी लिखना था, सो दैट इज द माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। तो ये पूरा डिफरेंशिएट हो गया इस तरह से। अब आप एक काम कीजिए, इसको चेक कर लो थोड़ा ध्यान से कि इसमें हमें क्या लिखना है, मतलब ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन बाय एक्स है इंटू वन बाय एक्स बराबर है, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए x वन बाय एक्स से तो सेम ही आएगा, x प्लस वन बाय एक्स हो गया और इंटू वन बाय एक्स हो गया, तो ये दोनों नंबर सेम है, तो इसको हम एफ डेस एक्स को लिख सकते हैं, एफ डेस एक्स को टू टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर है डिवाइडेड बाय एक्स, सेम नंबर आ गया, ठीक है। अब आप बता दीजिए कि ये जो नंबर है एफ डेस एक्स कि ये क्या है, मतलब ये मतलब ये वैल्यू को चेक करना है, इट इज़ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाना है, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू बनती होगी जो इंटरवल गिवन है उसमें अगर हम चेक करते हैं तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो देखिए बात करते हैं इसकी, तो जैसे ही वन टू इन्फाइनिट हम लेंगे, वन टू इन्फाइनिट लेंगे जो कि पॉजिटिव वैल्यूज हैं सारी वन टू इन्फाइनिट, तो ये आपको मैं बता दूं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चाहे पावर माइनस भी लगा रखी हो तो उससे मतलब नहीं है, ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव ही है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव है, उसका एक्स से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ये एक्स आप पॉजिटिव रख ही रहे हो, फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम, तो वन टू इन्फाइनिट लिख रहे हो तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ गई, एफ डैश एक्स जो है यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो हम बोल देंगे कि फंक्शन जो है दिस फंक्शन इज़ ए इंक्रीजिंग फंक्शन। और सेकेंड ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गया, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में जो इंटरवल गिवन था 0 टू 1 था, 0 टू 1 भी तो बीच की पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अब अगर मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू रखता है, वो पॉजिटिव वैल्यू रखेगा और वापस जब यहाँ तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही बनना है और ये भी पॉजिटिव रखेगा तो फिर पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये इसने बोला डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हियर, सेकेंड बिकम्स रॉन्ग। अब हम बात करते हैं कि थर्ड ऑप्शन में क्या बात है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में ही बोलता है एफ टू एक्स इज ऑड, तो पहले फंक्शन में ये करेंगे कि एफ टू एक्स बना लेंगे, और ऑड इवन चेक करने के लिए हमें एक तरीका है कि हम क्या करते हैं, उसको एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं और चेक करते हैं। तो यहाँ पे एक्स की जगह टू की पावर एक्स लिख लो पहले, तो इस फंक्शन के बारे में चेक करना है, तो ये हो जाएगा x की जगह 1 बाय 2 की पावर x हो गया, x की जगह 2 की पावर x रिप्लेस कर रहा हूँ मैं सीधा सीधा, कुछ और नया काम नहीं है। बाकी e टू द पावर माइनस ऑफ t प्लस 1 बाई टी
ये तो दूसरे वेरिएबल्स हैं, अदर वेरिएबल डी टी बाई टी वैसे ही रहना है। तो देखिए ये फंक्शन हो गया आपका एफ टू एक्स, ठीक है। अब इस एफ टू एक्स का क्या चेक करना है कि ये ऑड है इवन है, तो ऑड इवन में क्या होता है, अगर हम फंक्शन में देखिए एक्स की जगह अगर माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं तो ये माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स निकल के आता है, तो फंक्शन ऑड हो जाता है। नाउ इफ एफ माइनस एक्स करते हैं और एफ एक्स ही आ जाता है तो हम बोल देते हैं फंक्शन इवन है, ठीक है ना। तो इस पूरे फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है। इसमें थोड़ा टेक्निकल पॉइंट यह है कि कई बार जो मिस्टेक सोची जा सकती है, ठीक है, मिस्टेक जो सोची जा सकती है वो ये सोची जा सकती है कि यहाँ माइनस लगा के आप सोच सकते हो, उसे वो नहीं करना। ध्यान रखिए माइनस जो है ना एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस होगा तब चेक किया जा सकता है, ठीक है। सो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे टू टू दी पावर एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं। अब देखिए वन अपॉन है, टू की जगह माइनस एक्स लिखा है और टू की जगह एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा है और बाकी सब वैसे के वैसा ही रहने दिया है, टी प्लस वन बाई टी डी टी बाई टी हो गया। अब आप इसको चेक करो, ये जो नंबर है ये तो फिर जो है ऐसा लिख सकते हैं, पावर नीचे जाएगी, वन अपॉइंट टू टू द पावर एक्स हो जाएगा, वन अपॉइंट टू टू द पावर एक्स हो जाएगा, जो ये माइनस है वो ऊपर आ जाएगा, टू की पावर एक्स हो जाएगा। तो अब हो गया आपका माइनस का टी प्लस वन बाई टी सेम, ये तो कुछ नहीं चेंज हो रहा है इसमें, इंटरेस्टिंग है। तो अब इसमें एक डेफिनेट इंडिकेशन की प्रॉपर्टी आती है कि अगर लिमिट इंटरचेंज करते तो 12 माइनस आता है, ठीक है। तो वैसा का वैसा बनाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, जैसे ही आपने इंटरचेंज किया तो माइनस आ जाएगा बाहर और 1 बाय 2 की पावर एक्स हो जाएगा और ये 2 की पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, e टू द पावर माइनस टी प्लस 1 बाई टी आएगा, डी टी बाई टी आएगा, हो गया। तो ये पूरा जो फंक्शन है आपका f f ऑफ 2 टू द पावर माइनस एक्स, इसको देखिए क्या हो रहा है, f 2 की पावर माइनस एक्स का क्या हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ ये पूरा फंक्शन एफ एक्स आ गया, एफ टू एक्स यही था, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस एफ ऑफ 2 की पावर एक्स, तो हमने किया एफ 2 टू द पावर माइनस एक्स और निकल के आ गया माइनस ऑफ एफ की पावर 2x। सो द फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान ये रखेंगे कि x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे, सो therefore द फंक्शन इज अ ऑड फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम फोर्थ ऑप्शन को चेक कर ले, मतलब एफ एक्स तो लिखा ही हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में ये चेक करना है कि ये जीरो होगा क्या, ठीक है, तो वो भी चेक हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग है ये सब, चारों अलग अलग एक एक सवाल बना सकता था, हमने एट ए टाइम फोर क्वेश्चंस कर लिए, चार सवाल कर लिए, मतलब चलिए फर्स्ट सेकंड के लिए तो एक ही बात थी लेकिन थर्ड और फोर्थ के लिए बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसी अंदाज में जो है दे सकता था वो। अच्छा, क्या f की जगह हम 1 बाय एक्स रख दें, यहाँ पे f 1 बाय एक्स, तो जो 1 बाय एक्स है वो x बनेगा, x 1 बाय एक्स हो जाएगा और बाकी का सेम ही रहेगा, t प्लस 1 बाय टी हो जाएगा, ठीक है, डी टी बाई टी हो जाएगा, ये हो गया। अब जो चीज़ें हैं, मतलब ये बोल रहा है एफ एक्स प्लस एफ वन बाय एक्स, एफ वन बाय एक्स इक्वल्स टू जीरो होता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इस जैसा बनाने के लिए इसमें इंटरचेंज करना पड़ेगा लिमिट में, तो इंटरचेंज करोगे तो बाहर माइनस आएगा, तो ये वन बाय एक्स बनेगा, ये एक्स बनेगा, ई टू द पावर माइनस का टी प्लस वन बाय टी एंड डी टी बाय टी सेम आ जाएगा। तो अब इसको क्या करोगे, आप इसको लिखोगे ना माइनस एफ एक्स है ये पूरा, सो माइनस ऑफ एफ एक्स है एफ एक्स और ये बनाया एफ वन बाय एक्स, तो इधर ले लीजिए एफ एक्स प्लस एफ वन बाय एक्स इक्वल टू जीरो हुआ, ये तो सही बात है। तो फोर्थ ऑप्शन बोलता है कि एफ एक्स प्लस एफ वन बाय एक्स इक्वल टू जीरो होगा, कब होगा, जब फॉर एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इनफाइनाइट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जीरो टू इनफाइनाइट में ले रहा है वैल्यू, तो वहाँ देखिए जीरो टू इनफाइनाइट ही डोमेन है उसका, तो डोमेन में डिस्कस कर रहा है तो डोमेन तो यहाँ दिखाना पड़ेगा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन भी राइट हो गया, राइट। इस तरह से ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप एक क्वेश्चन हमने ले लिया, अच्छा था, सारी बातें थी इसमें। देखिए एक छोटा सा सवाल, लेकिन इसमें जो एक स्मॉल टेक्निकल पॉइंट है उसी की हमें बात करनी थी, इसलिए क्वेश्चन हमने रखा, ठीक है। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस लॉग टू इज एन ए डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी। अब देखिए इसने डिक्रीजिंग फंक्शन बोल दिया तो वो तो जो, बिकॉज वेरिएबल तो फंक्शन है एफ एक्स है,
एक्स का है, तो हम एक्स का रेंज बता सकते थे, सॉरी इंटरवल एक्स का बता सकते हैं, लेकिन इसमें पूछ लिया किसका, इंटरवल पूछ लिया पी का, तो वो देखिए कैसे आएगा। इंक्रीजिंग निकालना हो, डिक्रीजिंग निकालना हो, डिफरेंशिएट तो करना ही होता है, दैट इज द पी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस वन, और इसको आप लिख लोगे थ्री एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा कॉन्स्टेंट पार्ट है, ठीक है, फंक्शन तो एक्स के रेस्पेक्ट में ही है, और उसको लिखोगे माइनस थ्री, और डिक्रीजिंग है तो लेस देन इक्वल्स टू जीरो लिखोगे। डिक्रीजिंग बोला है यहाँ पे, देन फंक्शन इट इज़ गिवन डिक्रीजिंग, ठीक है। सो डिक्रीजिंग में यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किन चीज़ों को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन IIT में नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज़ टेक्निकल मिस्टेक है, डिक्रीजिंग बोल रहा है तो यहाँ पे इसको स्ट्रिक्टली लिखना चाहिए था, ठीक है। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं और इस चीज़ को अब वर्कआउट करते हैं। सो अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो 3 एक तो हट जाएगा, देखिए, और किस कंडीशन में बोल रहा है, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सो पी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस वन, राइट, एंड 3 यू जस्ट रिमूव द 3, और 3 अगर रिमूव होता है तो इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस वन होगा, माइनस वन लेस देन जीरो, तो 1 को हम उधर ले लेते हैं, ठीक है। सो इट इज़ लेस देन 1, दिस पी स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर, पहले आपने 3 हटा दिया तो माइनस वन बचा था, यहाँ पे 1 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, और डिनोमिनेटर जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड में पी स्क्वायर प्लस वन, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू में इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसको आप लिखोगे पी स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर लेस देन पी स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हो, ठीक है, दिक्कत नहीं है, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। अभी भी काम नहीं बनेगा, देखिए इस कंडीशन में भी हम पी के बारे में नहीं बता पाएंगे, तो पी स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर, फिर एक काम करता हूँ मैं कि डायरेक्ट भी लिख सकता था यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, तो इसको हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस वन, अब इसको इधर ले आएंगे, लेस देन जीरो लिखेंगे, और अब हम डिस्कशन हमारा चालू करेंगे, क्या कि बोला पी की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे जबकि फंक्शन डिक्रीजिंग हो। तो यहाँ ये देखिए कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा नेगेटिव है, पी स्क्वायर हो गया प्लस वन हो गया तो इनसाइड में पॉजिटिव है, तो दिस इज होल वैल्यू इज, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड विद द माइनस साइन, सो द दिस पोर्शन इज नेगेटिव, तो ये इनसाइड में पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन अगर यहाँ से बाहर की बात करें तो ये नेगेटिव हो गया पूरा, कन्फर्म है पी स्क्वायर प्लस वन पॉजिटिव है, या फिर उसका बारे में बोल सकते हैं। अब ये वाली जो चीज़ है एक्स स्क्वायर है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, हम ये चाहते हैं कि ये पूरा पोर्शन नेगेटिव हो, तो नेगेटिव हो में हम क्या करेंगे कि इसको भी नेगेटिव लिख देंगे, अगर इसको आप नेगेटिव लिख दोगे और ये पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो अल्टीमेटली ये भी नेगेटिव बनेगा, दिस इज़ नेगेटिव, देन होल वैल्यू बिकम्स नेगेटिव, पूरा जो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दैट विल बी नेगेटिव। तो वो कंडीशन को ढूंढने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, पी स्क्वायर माइनस वन को लेस देन जीरो लिखना पड़ेगा, दिस शुड बी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव द होल थिंग बिकम्स नेगेटिव, और नेगेटिव ऐड होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, एंड दैट विल बी कन्फर्म दैट इट विल बी एन डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो उसकी कन्फर्मेशन के लिए हमने इसको ऐसा लिखा, और इसके लिए भी आप जानते हो कि पी बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन आएगा, और वही उसने इंटरवल पूछा था, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम जो है एनालाइज करके इसमें पी के इंटरवल को निकाल पाए। देखिए गाइज, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल हुआ, और इसीलिए लिया हमने कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स प्लस जीरो टू एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इज एन डिक्रीजिंग, इज ए लिखा है यहाँ पे, इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर, बी बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, बी और एक्स अलग अलग इंडिपेंडेंट है आपस में, ठीक है, देन, और बिल्कुल ध्यान से देखने की बात है कि जो ऑप्शन में दिखा रहा है वो ए के इंटरवल चाहिए इसको, मतलब ऐसी ऐसी कंडीशन है कि फंक्शन डिक्रीजिंग बोल दिया और उसके बाद में बोलता है कि इंटरवल ए किस रेंज में आएगा, उसका क्या सेट होगा, किस में आएगा, ठीक है ना। तो फंक्शन के डिक्रीजिंग होने में इसका ए का क्या रोल है, कैसे निकालेंगे, ए आप देख रहे हो यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, बी के बारे में तो बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, बी उससे अलग ही है, तो ए के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया,
राइट. सो दिस इज एक्स ओनली, तो ए बी आएगा इसी, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस टू आएगा. राइट, एक्स का वन हो गया. और इसका जो डेरिवेटिव करेंगे लेमनीज रूल से कर देंगे. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिखूंगा कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस फोर एक्स प्लस साइन फोर एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव वन आएगा. और जब लोअर लिमिट से उसको चेंज करेंगे तो ये जो है कॉस फोर थीटा, पहले जीरो, फिर जीरो का तो डेरिवेटिव जीरो ही आएगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये डेरिवेटिव हो गया. और इस फंक्शन के लिए डिक्रीजिंग बोल रहा है तो लेस देन जीरो लिख देंगे. ठीक है ना, तो कंडीशन पे भी देखना होता है. देखिए कंडीशन में जब इंटरवल लगा रखा है, ओपन इंटरवल लगा रखा है, ठीक है, तो डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कई बार कन्फ्यूजन रहता है. हम थियोरेटिकली एक चीज़ जानते हैं, लेकिन जब ऑप्शन में देता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको वर्कआउट कर लीजिए. ठीक है ना, देखिए सभी ऑप्शन में ओपन इंटरवल किया हुआ है, तो हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले हिसाब से इस पर वर्क कर रहे हैं. इसका डेरिवेटिव कर दिया, और अब हम इसमें से हमें उड़ाना पड़ेगा ये जो फंक्शन है, इसमें खाली यही पार्ट लिखो इसका, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस टू है. ठीक है, इसको हम जब तक नहीं हटाएंगे तो हम ए का इंटरवल नहीं बता पाएंगे. ठीक है, तो इसका एक तरीका है, इसको आप लिख लो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, और जो मिडिल टर्म है वो काउंटर बैलेंस कर दिया आपने. ठीक है, एंड दिस इज लेस देन जीरो, ये वन हो गया. तो ये वन हो गया, तो यहाँ तक जो है ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, तो माइनस वन बच रहा है. ठीक है, और माइनस के ये बच रहे हैं नंबर. अब यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग स्टेप है कि इसको मैं टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, सो दिस इज फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है, डिवाइडेड बाई टू आएगा, एंड दिस इज लेस देन जीरो, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है. ठीक है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं. और ये जो वैल्यू है ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टू एक्स, बराबर है, डिवाइडेड बाई टू, ये माइनस था. ठीक है, लेस देन जीरो है. अब इस बारे में एक बात यहाँ पे जो है डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये जो नंबर है साइन स्क्वायर टू एक्स डिवाइडेड बाई, इसका टू ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाई टू, राइट, ठीक लिख रहा हूँ. सो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस वन, और इसको हमने इधर ले लिया. अब इसके बारे में डिसीजन लेना कि जो साइन का स्क्वायर हो जाता है, चाहे टू एक्स हो या कोई भी हो, जीरो टू वन के बीच में रहती है वैल्यू स्क्वायर होने के बाद. साइन एक्स माइनस वन टू वन के बीच में होता है, लेकिन जैसे स्क्वायर करते हैं तो जीरो टू वन के बीच में होती है वैल्यू. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है जीरो टू वन के बीच की है और डिवाइडेड बाई टू है. अगर हम टू को ऐसा रख के देखें तो आपको बहुत क्लीन समझ आएगा ये वन बाई टू है. ठीक है, अब ये वैल्यू जो है आपकी जीरो टू वन के बीच में लाया कर रही है. अगर मैं इसको लेस देन लिखना चाहूँ तो वन बाई टू, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू यदि मैं यहाँ अटैच कर दूँ. इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि अगर उसको हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर टू एक्स की रख दें तो ये वैल्यू इससे छोटी होगी, क्योंकि ये रोटेट करेगा बिटवीन जीरो टू वन, जीरो टू वन, और यहाँ आपने उसका मैक्सिमम वैल्यू प्लेस कर दिया. तो जब ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, तो जब ए बी से छोटा हो, ए छोटा हो बी से, बी छोटा हो सी से, तो ए छोटा हो जाएगा सी से, तो हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे इसको इससे. इसमें बोला क्या फ़ायदा हुआ, इसमें जो एक्स वाला वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो गया, और एक्स एलिमिनेट हो गया तो एक प्रॉब्लम तो ख़त्म हुई कि चलो एक्स गड़बड़ कर सकता था बीच में, तो उसको हटा दिया हमने. ए बी माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस वन, एंड दिस इज लेस देन हाफ है, तो माइनस थ्री बाई टू कर दूँ यहाँ, माइनस थ्री बाई टू लेस देन जीरो. टू से मल्टीप्लाई किया, टू ए बी माइनस टू बी स्क्वायर, माइनस का टू बी स्क्वायर माइनस थ्री लेस देन जीरो, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो टू बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो कर दो. माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वलिटी फिर चेंज कर जाएगी. ठीक है, जैसे ही माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे. अब आप आइए देखें यहाँ पे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि बी की क्वाड्रेटिक है, और बी की क्वाड्रेटिक में क्या दिखा रहा है कि ये जो बी का जो बी स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट टू है, पॉजिटिव है, और ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो दिखा रहा है. तो क्वाड्रेटिक में आपको पता है कि पूरी वैल्यू जब ऊपर होती है, अबाउ द एक्स एक्सिस होता है, तो उसमें क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो है ही है यहाँ, तो
हमने बी की क्वाड्रेटिक ली है। अब बी की क्वाड्रेटिक का क्या होगा, जब ये इसको कट नहीं करेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। वहाँ पे हमें ये मालूम चल रहा है कि अगर पूरे क्वाड्रेटिक पोर्शन ग्रेटर देन जीरो जा रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स इमेजनरी होंगे, डी नेगेटिव होगा। डी नेगेटिव उठा के रख दीजिए इसका। और ये जो ध्यान रखिए कि ये जो हम बी की क्वाड्रेटिक ले रहे हैं तो ये उसकी तरह काम कर रहा है, और ये ए आएगा तो इसमें आएगा माइनस टू ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह टू आएगा, सी की जगह थ्री आएगा, और ये नेगेटिव होगा। ये मैंने जो चीज़ लिखी है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो लिखा है, क्योंकि इसके रूट नहीं बन रहे। ये देखिए अबव द एक्स एक्सिस चला गया पूरा, तो ऐसा लिख सकते हो। फोर ए स्क्वायर आ गया, माइनस का चार तिया बारह चौबीस नो लेस देन जीरो, फोर हटा देंगे, ए स्क्वायर माइनस सिक्स लेस देन जीरो। अब ए स्क्वायर लेस देन जीरो है, इट मीन्स ए बिलोंग्स टू माइनस रूट सिक्स टू रूट सिक्स के बीच में जाएगा, तो ये आएगा इसमें सेकेंड ऑप्शन राइट जाएगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर ए बिलोंग्स टू माइनस रूट सिक्स टू रूट सिक्स, इस तरह से आपका ठीक लिखा ना, हाँ सही है, सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। देखिए एक और ये छोटा लेकिन डिस्कस करने लायक सवाल, कि बोलता है कि एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस टू लैम्बडा एक्स इज एट डिक्रीजिंग फॉर, और सिंपली बहुत ईजी चीज़ बतानी है, लेकिन बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वही आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें मैं, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा है तो ध्यान रखें कि वो वापस ये जो है ना स्ट्रिक्टली लिखना चाहिए, इनको नहीं लिखा जाता है स्ट्रिक्टली वगैरह, कोई बात नहीं। एफ डैस एक्स को हम बोलेंगे ये चेंज क्यों कर रहे हैं, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कहीं इक्वल टू साइन नहीं लगा रहा, ठीक है। और वो डिक्रीजिंग बोल के भी यदि ग्रेटर देन हाफ़ ग्रेटर देन लैम्बडा ग्रेटर देन माइनस हाफ लैम्बडा लेस देन टू लैम्बडा इज ग्रेटर देन टू ऐसा लिख रहा है, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हम इक्वल साइन चाहें लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी स्लाइटली जो है वो कन्फ्यूजन चलता है। CBSE NCERT अलग तरह से लेती है, और दूसरी तरह से कहीं पे भी क्वेश्चंस जो हैं आप बुक्स में जो भरे पड़े हैं उनमें कहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करता है, लेकिन वो उसको डिक्रीजिंग वाली कंडीशन को भी यूटिलाइज कर दे रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, हमें इसमें अलर्ट रहना चाहिए, आप समझें इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन IIT JEE नहीं करेगा ऐसा। IIT JEE में बहुत क्लियरली जो है मेंशन किया होगा, और बहुत ही क्लियर कंडीशंस डिफाइंड होती हैं, तभी क्वेश्चन देता है, ठीक है। चलिए अब इस पे आ जाएंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो लिख देंगे अभी, और कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, और माइनस टू लैम्बडा हो गया, लेस देन जीरो लगा देंगे। अब इस पे आप एक काम कर सकते हो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कंडीशन लैम्बडा की चाहिए हमें, तो टू लैम्बडा प्लस साइन एक्स राइट ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो टू लैम्बडा ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स हुआ, और कंडीशन लैम्बडा की चाहिए इसको, है ना। तो चलिए हम टू लैम्बडा की बनाएंगे अभी, है ना। अब यहीं पे मेन पॉइंट आ रहा है कि जो वैल्यू है टू लैम्बडा ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स है, और कंडीशन में आप देखिए चारों ऑप्शन में उसको लैम्बडा बताना है कि लैम्बडा किस इंटरवल में होगा, तो हमें एक्स के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। वैसे सवाल को और ज़्यादा क्लेरिटी रखने के लिए फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर लिख दे तो अच्छा रहता था, ठीक है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर में बताइए कि इसमें कौन सी कंडीशन अटैच होगी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि ये वाली कंडीशन हमारी सर्वाइव करे। सर्वाइव करे का मतलब क्या, कि टू लैम्बडा ग्रेटर देन हमेशा यहाँ जो वैल्यू रखें। अब साइन एक्स की जो वैल्यू है, साइन एक्स की वैल्यू तो माइनस वन से वन के बीच में हो सकती है, ये साइन एक्स की वैल्यू हो गई। अगर माइनस साइन एक्स की बात करें तो माइनस साइन एक्स की वैल्यू भी माइनस वन से वन के बीच में ही होती है, वो तो साइन पलट जाएगा, ठीक है। तो माइनस वन से वन के बीच में होगी ना, तो अगर हम यहाँ की माइनस वन की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे माइनस रख देते हैं तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो वो और अगर सपोज मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं, पहले मैं उल्टी बात बोलूँ जो एक्सप्लेन करना है, कि यदि मैं साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रख देता हूँ, साइन एक्स की यहाँ मैक्सिमम वैल्यू वन है, वन रख देंगे तो माइनस वन क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ माइनस वन क्रिएट होगा तो टू लैम्बडा ग्रेटर देन माइनस वन होगा। लेकिन यदि आप साइन एक्स की यहाँ मिनिमम वैल्यू रखते हो तो यहाँ जो क्रिएट होगा
वो 2 लैम्डा ग्रेटर देन माइनस ऑफ माइनस 1 क्रिएट होगा, 2 लैम्डा ग्रेटर देन 1 होगा, लैम्डा ग्रेटर देन हाफ होगा, तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब यदि हम उसमें गलत काम करते, उल्टा कर देते, साइन एक्स की वैल्यू अगर मैक्सिमम 1 रख देते, वहाँ मैक्सिमम रख देते तो क्या होता, वो 2 लैम्डा ग्रेटर देन माइनस 1 बनता और लैम्डा ग्रेटर देन माइनस हाफ से बड़ा बनता। तो माइनस हाफ से हाफ के बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो फिर जो है इधर मिनिमम क्रिएट कर देती। तो हम चाहते हैं कि लैम्डा अपनी मैक्सिमम कंडीशन को यूटिलाइज़ करें, सो 2 लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन हाफ, ये आंसर आएगा। ये यहाँ पे जो है इस जगह इम्पॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे लेना था कि माइनस 1 इसकी जो है वैल्यू रखेंगे, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू रखेंगे, बिकॉज माइनस इज ऑलरेडी आउटसाइड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन ही रखा है मैंने, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं और उसके बाद में नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लेस करके और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना होता है उनके लिए है, और जो जानते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट्स अ इजी क्वेश्चन, बट हाउ टू ड्रॉ द नंबर्स ऑन टू द नंबर लाइन टू चेक फॉर द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वो निकालना होता है। तो इंक्रीजिंग के लिए भी फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, डेरिवेटिव निकाल देंगे राइट, और डेरिवेटिव में लैमनीज रूल लगेगा, तो पहले अपर लिमिट प्लेस होगी इसमें एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जा रहा है राइट, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, इंटू वन कर सकते हैं, माइनस आएगा, माइनस आएगा, लेकिन जब कॉन्स्टेंट उसमें प्लेस होगा और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव लिखेंगे जीरो आएगा, तो वो नंबर ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा ठीक है। और इंक्रीजिंग की बात कर रहा है तो, और अब यहाँ पे वो भी चीज़ देखिए आप कि हर बुक्स में हर जगह ये प्रॉब्लम की हुई है इन्होंने ठीक है। थ्योरेटिकली वी नो दैट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मीन्स दैट एफ डैस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और इंक्रीजिंग बोलता है तो एफ डैस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लिखना होता है, लेकिन ये इंक्रीजिंग बोल के भी, इंक्रीजिंग बोल के भी सवाल में देखिए जो चार ऑप्शन दे रखे हैं ये दे रखे हैं, तो मैंने ये किसी बुक से उठाए, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि इंक्रीजिंग बोल के ऑप्शन में सब में ओपन इंटरवल लगा रखें, तो हमें क्या करना है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है। लेकिन एक बात बोल रहा हूँ मैं कि यदि कोई सवाल आईआईटी जेई में आता है तो वहाँ उस तरह की मिस्टेक नहीं करेगा ठीक है ना, एक थ्योरेटिकल मिस्टेक है जो क्वेश्चंस में सब जगह फैली हुई है ठीक है। तो हमें ध्यान, हम आप ध्यान रखिए कि आईआईटी जेई में ऐसा नहीं बनने वाला है ठीक है, वो आपको क्लियरली, बहुत क्लियरली जो कंडीशंस हैं सारी बताएगा, आप फिर आराम से उस पर वर्कआउट कर सकते हो, जो भी कुछ होंगी उसको कंडीशंस को प्रॉपरली डिफाइंड करके सवाल दिया जाता है ठीक है ना, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अभी हम यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो ही लगा देते हैं। अब इसमें ये काम करना होता है कि इसमें निकालने होते हैं फैक्टर्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन राइट, ग्रेटर देन जीरो इसके लिए सॉल्व करना है। तो मेथड ये कहता है कि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मोनोटोनोसिटी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो जीरो है, इसमें टू है, इसमें आपका वन है, और इसमें है माइनस वन है। और मेथड ये कहता है कि उसको क्रिटिकल पॉइंट्स को जो है नंबर लाइन पर आप प्लेस कर दीजिए, नंबर लाइन पर प्लेस करेंगे तो माइनस वन आ रहा है पहले, फिर आएगा आपका जीरो राइट, जीरो वन टू, जीरो वन है, फिर यहाँ लास्ट में टू है, माइनस वन है बराबर है जीरो वन टू, ये प्लेस हो गया। और यदि एफ डैश एक्स में जो लीनियर फैक्टर्स बने हैं इनके जो कॉफिशियंट्स के आगे अगर यदि पॉजिटिव है तो आप राइट मोस्ट स्टार्ट कीजिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि मतलब ऐसे केस में नंबर लाइन पे जब प्लेस करते हैं तो एक बात ये ध्यान रखने की है कि एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए काम करता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए तो आपको जो क्वाड्रेंट से देखना पड़ता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव है, सेकंड में क्या, और जो सिक्स्थ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको वहाँ चेक करोगे आप, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ तो ठीक है। और एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए आप नंबर लाइन पे आ जाओगे, यहाँ प्लॉट करके नंबर्स को और फिर देख सकते हैं। मैं क्या कह रहा था, यदि यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ राइट मोस्ट पॉजिटिव से आप स्टार्ट लेंगे और फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करते चले जाइए। और जो ये बोल रहा है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ग्रेटर इंस यू हैव टू सेलेक्ट द पॉजिटिव रीज़न, तो जो कंडीशन है वो आ जाएगी एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव मीन्स यहाँ से यहाँ तक आएगा ठीक है ना, माइनस इनफाइनिट से आएगा,
माइनस इनफाइनिट टू माइनस वन आएगा, पॉजिटिव रीजन ये वाला, ये सिलेक्शन में जाएगा, ये जाएगा सिलेक्शन में और ये जाएगा, ठीक है। एंड यूनियन 0 टू 1 लेंगे एंड यूनियन 2 टू इनफाइनिट ले लेंगे, ये आंसर हो गया, ठीक है। आंसर चेक कर लीजिए, माइनस इनफाइनिट टू माइनस वन थर्ड ऑप्शन में, फिर 0 टू 1 एंड 2 टू इनफाइनिट, सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ये बाकी सारे जो हैं अलग तरह से दिए हुए हैं।